Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th English worksheet topic naming words noun. कैसे हो बच्चों? आज हम class 5th English की worksheet solve करेंगे topic naming words noun. तो चलिए worksheet solve करते हैं. आज की worksheet noun के बारे में है. Noun क्या होता है? Noun is the name of a person, place, animal or thing. किसी भी पर्सन, व्यक्ति, प्लेस, स्थान, एनिमल, जानवर और थिंग, वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं. क्वेश्चन वन, व्हाट आर द थिंग्स इन योर स्कूल बैग? आपके स्कूल बैग में कौन सी चीज़ें हैं? चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट इन योर नोटबुक. सही आंसर को चुनिए और अपनी नोटबुक में लिखिए. बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं. आपको उन चीज़ों के नामों को चुनना है जो आप अपने स्कूल बैग में ले जाते हैं. तो चलिए करते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ें अपने स्कूल बैग में ले जाते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ एक बैग दिया हुआ है. बैग में हम पेंसिल रखते हैं. इसके अलावा और कौन सी चीज़ें रखते हैं? तो यहाँ लिखेंगे शार्पनर, रूलर, पेन, ब्रश, क्रेयॉन्स, बुक, इरेजर, लंच बॉक्स. तो ये सभी चीज़ें हम अपने बैग में रखते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन टू, रीड द वर्ड्स एंड प्लेस देम अंडर करेक्ट हेडिंग. वर्ड्स को पढ़िए और उन्हें करेक्ट हेडिंग के नीचे लिखिए. आप देख सकते हैं यहाँ बॉक्स में बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे सोनी, कैट, जयपुर, केक. अब ये वर्ड सर्कल किए हुए हैं क्योंकि ये अलग अलग, सोनी किसी का नेम है, कैट एनिमल का नेम है, जयपुर प्लेस का नेम है और केक थिंग का नेम है. तो यहाँ पर चार चीज़ें, नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल नेम, प्लेस का नेम और थिंग का नेम दिया हुआ है. तो इन वर्ड्स में से हमें नेम, एनिमल, प्लेस और थिंग वाले हेडिंग के नीचे रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं. तो चलिए इन्हें वन बाय वन प्लेस करते हैं करेक्ट हेडिंग के अंडर में. तो नेम में हम लिखेंगे सोनी, पहले से ही लिखा हुआ है, अमित, प्रकाश, टीना, चारू. प्लेस में लिखेंगे जयपुर लिखा हुआ है, आगरा, पुणे, दिल्ली, शिमला. एनिमल में लिखेंगे कैट लिखा हुआ है, टाइगर, एंट, पैरेट, स्नेक. थिंग्स में लिखेंगे केक पहले से ही लिखा हुआ है, पेंसिल, टोमेटो, स्कर्ट, एप्पल. तो यहाँ हमने नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग के आधार पर वर्ड्स को लिख दिया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन थ्री, सर्कल द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इनमें नाउन को सर्कल करना है. पहला आपके लिए किया गया है, द एप्पल इज़ रेड. एप्पल नाउन है, सर्कल किया हुआ है. सेकंड, द एलिफेंट इज़ बिग. तो इस सेंटेंस में एलिफेंट नाउन है, सर्कल करेंगे. थर्ड, द जिराफ इज़ टॉल. जिराफ नाउन है, सर्कल करेंगे. फोर्थ, द हैट इज़ ब्राउन. हैट नाउन है, सर्कल करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ, टॉम इज़ अ स्टूडेंट. टॉम नाउन है, सर्कल करेंगे. सिक्स्थ, द बटरफ्लाई इज़ ब्यूटिफुल. तो बटरफ्लाई नाउन है, इसे सर्कल करेंगे. क्वेश्चन फोर, कलर द बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस. बच्चों नेक्स्ट पेज पर कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं और उनके अंदर वर्ड्स लिखे हैं. अब आपको इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उन बॉक्सेस को कलर करना है. ए, रेड इफ़ इट नेम्स अ पर्सन. आपको रेड कलर करना है बॉक्स में अगर किसी पर्सन का नाम है तो. बी, ब्लू इफ़ इट नेम्स अ थिंग. नीला करना है अगर चीज़ का नाम है. सी, येलो इफ़ इट नेम्स अ प्लेस. अगर प्लेस का नाम है, किसी स्थान का नाम है, जगह का नाम है तो आप येलो कलर करेंगे. डी, ग्रीन इफ़ इट नेम्स एन एनिमल. अगर किसी एनिमल का नाम है तो आप ग्रीन कलर करेंगे. चलिए अगले पेज पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स में उनमें इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कलर करते हैं.
बच्चों आपकी सुविधा के लिए मैंने इन बॉक्सेस में इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कलर कर दिए हैं। रेड कलर किया है नेम वाले वर्ड्स में जो हैं लेडी, किंग, डॉक्टर, पुलिस, बॉय, गर्ल, टीचर, अंकल, बेबी, ग्रैंडफादर, ये सभी नेम्स अ पर्सन हैं। बी अब ब्लू कलर करेंगे, किसमें होगा जैसे बॉल, ट्रेन, पेन, स्टार, बलून, कप, बोट, बॉटल, मैंगो, चेयर, फ्लावर, केक, एप्पल, कॉइन। तो इनमें ब्लू कलर किया है क्योंकि ये सब थिंग के नाम हैं। सी येलो कलर जो प्लेस के नेम हैं जैसे आइलैंड, मुंबई, फार्म, स्कूल, पॉन्ड, स्ट्रीट, बैंक, दिल्ली, सी, गार्डन, डैन, ये सभी प्लेस के नेम हैं। ग्रीन कलर किया है एनिमल्स नेम में क्रो, गोट, टाइगर, हैन, कैट, बी, हॉर्स, फिश, मंकी, काउ, पांडा, ये सभी एनिमल्स नेम हैं। तो हमने पर्सन के नेम में रेड कलर, थिंग्स के नेम में ब्लू कलर, प्लेस के नेम में येलो कलर और एनिमल्स के नेम में ग्रीन कलर बॉक्स में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल्स इम्पोर्टेंस ऑफ सैक्रिफाइस, जीवन कौशल, सैक्रिफाइस का महत्व। सैक्रिफाइस मीन्स गिविंग अप वन थिंग फॉर समथिंग दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का त्याग कर देना ऐसी चीज़ के लिए जो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। एग्जाम्पल, सोल्जर्स सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर नेशन एज दे बिलीव द नेशंस प्राइड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन देयर लाइव्स। सोल्जर्स जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी का सैक्रिफाइस बलिदान कर देते हैं अपने नेशन के लिए, क्योंकि वे बिलीव करते हैं कि नेशंस का प्राइड जो है उनकी लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स सैक्रिफाइस देयर कम्फर्ट्स फॉर देयर चिल्ड्रन, जो पेरेंट्स हैं वो अपने कंफर्ट का सैक्रिफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पुलिसमैन, टीचर्स एंड स्वीपर्स सैक्रिफाइस देयर कंफर्ट्स टू फाइट अगेंस्ट कोरोना एंड वर्कड एज कोरोना वॉरियर्स। डॉक्टर, हेल्थ वर्कर, पुलिसमैन, टीचर और स्वीपर्स ये सब सैक्रिफाइस करते हैं अपने आराम का कोरोना के अगेंस्ट फाइट में और कोरोना वॉरियर के रूप में काम करते हैं। वन मस्ट वैल्यू द सैक्रिफाइस मेड बाय द पीपल फॉर अस, हमें उन लोगों के सैक्रिफाइस को की वैल्यू करनी चाहिए जो हमारे लिए और हमारे देश के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट दैम एंड शुड फॉलो द सेम पाथ टू, हमें उनका आदर करना चाहिए और सेम पाथ फॉलो करना चाहिए, उन्हीं की तरह बनना चाहिए। नेक्स्ट है, लेट्स मेक अ थैंक यू कार्ड फॉर द कोरोना वॉरियर, चलिए अगले पेज पर कोरोना वॉरियर के लिए कार्ड दिया गया है, हम भी इसी प्रकार का कार्ड बनाते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर कोरोना वॉरियर के लिए थैंक यू कार्ड बनाया गया है, वी सैल्यूट कोविड 19 वॉरियर्स। तो आप भी इसी प्रकार का एक कार्ड बनाएंगे फॉर कोरोना वॉरियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कार शाला, रेज योर वर्ड्स नॉट योर वॉइस, इट इज़ रेन दैट ग्रोज फ्लावर्स नॉट थंडर, रूमी। रूमी ने कहा है अपने विचारों को ऊंचा रखो ना कि अपनी आवाज़ को, बारिश में ही फ्लावर्स उगते हैं ना कि थंडर में, जो फ्लावर्स होते हैं वो बारिश में होते हैं ना कि तूफान में, तो इसलिए हमेशा अपने विचारों को ऊंचा रखें। ईट एनी सीजनल फ्रूट और ड्रिंक फ्रूट शेक जूस, गेम स्नेक्स एंड लैडर प्ले विद योर फैमिली, एक्टिविटी ऑफ द डे मेकिंग द बेड बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली रूटीन दैनिक दिनचर्या, बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करें। टेक ए बैथ डेली, प्रतिदिन स्नान करें।
ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, ये कुछ अच्छी आदतें हैं जो आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करनी है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।